सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई आयनॉक्स विंड को लेकर। आयनॉक्स विंड में आप लोग देखोगे एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला है, और इस जबरदस्त एक्शन के पीछे का एक्चुअल में रीजन क्या है वो आप सभी को पता है भाई। वो थे शुक्रवार को आए कंपनी के रिजल्ट्स जो मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे, और उसका बिल्कुल हमें इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। और इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और देखोगे जो विंड पावर से बिलोंग करी कंपनी है सुजलोन, उसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। वो भी रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखोगे 50% के ऊपर में उछल चुका है, और ये जो स्टॉक है रिजल्ट्स के बाद 16-17% की रैली से दिखा चुका है। हमारे टारगेट थे भी देखो भी 200 रुपये के आसपास जाने के, 200 रुपये प्लस जाने के, ये मैंने आपको बोला था जब ये स्टॉक 40 रुपये के आसपास था, 140 सॉरी। और वहाँ से आज आप लोग देखोगे स्टॉक में कितना शानदार मोमेंटम बना है, बहुत अच्छी बात है, अभी तेजी बनी है। तो तेजी के पीछे का रीजन क्वार्टर वन रिजल्ट्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार कैसे थे। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी ने जबरदस्त एक्शन दिया। रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 85% से इंक्रीज हुआ है। ईबीटा आप लोग देखोगे 349% से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में भी हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला, 50 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देखो इंक्रीजिंग, तो बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, अभी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का इस रिजल्ट्स में, एक हिस्ट्री ऑफ आयनॉक्स विंड से जो अभी क्रिएट करते हुए नजर आया है इस क्वार्टर रिजल्ट्स के दौरान, तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे ऑर्डर बुक इसके जो अभी 2.9 मेगावाट्स के आसपास के, जो कि आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 254% की जो अभी इंक्रीजिंग हमें देखने को मिली है। तो अच्छी ऑर्डर बुक है, और इन सबको देखते हुए इसमें आगे चलकर बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा। हाल ही में कंपनी ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जो कंपनी है वो 900 करोड़ रुपए, आपने देखे होंगे भी कंपनी अपने शेयर होल्डिंग जो स्टॉक्स हैं वो बेचें, और उसके बाद जो वहां से लिया फंड उसका जो उपयोग है ये कंपनी अपने बाहरी जो डेट है, ठीक, एक्सटर्नल जो इसके डेट्स हैं उसको कंपनी ने चुकाया। तो ये कंपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव अपडेट्स थी, उसके बाद जो ये शेयर है बिल्कुल पॉजिटिव रहा है भाई। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक इसकी अच्छी है, उन सबको देखते हुए, और आप लोग देखोगे ये जो हमें देखने मिला भी कंपनी डेट फ्री हो रही है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव इंपैक्ट डाला स्टॉक के ऊपर, और इसी वजह से जो स्टॉक आज हमें एक्शन में दिखाई दिया है। तो चलिए देखते हैं अभी इसका चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आयनॉक्स विंड्स के अंदर जो रैली बनी है काफ़ी अच्छी, 188 का ऊपर में रेजिस्टेंस था इसका, इसने इसे ब्रेक किया और सस्टेन जैसे ही किया तो स्टॉक सीधा ऊपर में 20% के आसपास पहुंचा हुआ। 20% का सर्किट है ना इसका, अभी टाइम तो 17% के आसपास की तेजी है, 20% का सर्किट लग सकता है भी, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट अच्छे आए हैं तो अभी टाइम अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर तो 188 का सपोर्ट ठीक रहेगा अभी नीचे में। और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो भी आपके लिए 188 का सपोर्ट ही रहेगा नीचे में। ऊपर में अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की तो इस रिजल्ट के कारण आप लोग स्टॉक ऊपर में 225 रुपये तक के मूव हमें दिखा सकते हैं, या फिर ऊपर से प्रॉड बुकिंग हुआ तो स्टॉक ग्राउंड बन सकती है भाई। तो इसलिए 50-50 चांस है, यहाँ पर अच्छी रैली तो स्टॉक में रिजल्ट्स के कारण बन चुकी है, तो ऊपर से प्रॉड बुकिंग भी आ सकते हैं, तो रिस्क न लेकर 188 रुपये का सपोर्ट आई थिंक ठीक रहेगा नीचे में। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।